कुछ दिन से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गुलबर्गा सिटी में और मुख्तलिफ तालुकों में हाई स्कूल के अंदर जो छोटे छोटे लड़कियां हैं उनको जो है वो स्कार्फ निकाला जा रहा है और एक अलग तरह का माहौल स्कूलों के अंदर बनाया जा रहा था, जिसके लिए आज हम गुलबर्गा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत के जानिब से डिप्टी कमिश्नर साहब से आज मुलाकात हम किए हैं। वहां पर उनको एक रिप्रेजेंटेशन देकर उनको बताया है कि हाईकोर्ट का जो इंट्रीम ऑर्डर है वो इंट्रीम ऑर्डर जहां पर ड्रेस कोड को जो प्रिस्क्राइब किया गया है वहां पर वो इंट्रीम ऑर्डर अप्लीकेबल होता है, जिसमें कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के तहत अगर कॉलेजेस है जहां पर यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब है उसी जगह पर वो हाईकोर्ट का इंट्रीम ऑर्डर अप्लाई होता है। यहां पर हाईस्कूल के तालुक से कोई इंट्रीम ऑर्डर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मीडिया के लोग, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल स्कूलों को जा रहे हैं, छोटे छोटे लड़कियों को जो नाबालिग बच्चे हैं उनका स्कार्फ निकालकर उनको मेंटली डिप्रेशन में डाल रहे हैं और एक खौफ पैदा कर रहे हैं बच्चों को जो है स्कूल को जाने से पहले वो लोग खौफ में आ जा रहे हैं, हेजिटेशन कर रहे हैं कि स्कूल को जाए या नहीं जाए। गेट पे पुलिस कांस्टेबल, पुलिस इंस्पेक्टर वहां पर स्कूल के प्रेमाइसिस के गेट के बाहर पुलिस वाले खड़े हुए हैं। तो उसी को ताल्लुक से आज यहां पर हम डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात करके उनको बताया कि ये वातावरण जो स्कूलों के अंदर चल रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक अच्छा वातावरण जहां पर बच्चे अच्छी तरीके से तालीम हासिल कर सके ऐसा वातावरण बनाइए, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने हमको तयखुन दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी हेडमिस्ट्रेस हैं कॉलेजेस को, उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ऐसी कोई चीज स्कूल में नहीं होगी। आज के बाद से कोई भी वहां पर ऑफिशियल जाकर छोटे बच्चों को कोई स्कार्फ नहीं निकालेंगे, ये बात आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर कोई ऐसा वातावरण ना पैदा करे जिसके वजह से शहर का माहौल खराब हो। जैसा कि आप बखूबी वाकिफ हैं, कर्नाटक में पिछले 10-12 दिन से एक नया शोशा छेड़ा गया हिजाब के नाम से। सबसे पहले मैं वो जो लोग भी फिरका परस्त ताकतें इसको इश्यू बनाने की जो कोशिश किए हैं मैं उसकी मजम्मत करता हूं। और अभी हम लोग डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा से मुलाकात करके बाहर आए हैं। ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत गुलबर्गा ज़िले के हिस्से से मैं और मेरे साथी मजहर हुसैन एडवोकेट, गुलबर्गा वेलफेयर एसोसिएशन के सदर और हमारे मोहम्मद अली एडवोकेट ने मिलकर डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा से ये दरख्वास्त की कि ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट करके कॉलेजेस के प्रिंसिपल, स्कूल के एचएम वगैरह छोटे छोटे लड़कियों को स्कूल में आने से मना कर रहे हैं हिजाब अगर पहनी है तो। लड़की जुल्म तो ये हुआ कि बच्चे बहुत मिन्नतों के बाद 8, 9, 10 में आते हैं, क्रुशियल ईयर रहते हैं 3 साल, वैसे वक्त में एग्जाम करीब है, उसके बावजूद ये एडमिनिस्ट्रेशन, एचएम और प्रिंसिपल लड़कियों के साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं जबकि उनको करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर खुद उन्हें पढ़ सकते हैं, ऑर्डर की कॉपी भी मेरे सामने है, मैं तमाम लोग बाखूबी वाकिफ हैं। एक लाइन सिर्फ हाईकोर्ट की मैं पढ़ के सुनाऊंगा, वी मेक इट क्लियर दैट दिस ऑर्डर इज कन्फाइंड टू सच ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वेयर इन द कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज हैज प्रिस्क्राइब द ड्रेस, स्टूडेंट्स ड्रेस कोड यूनिफॉर्म, उसके बावजूद भी मिस इंटरप्रेट करके स्कूल के बच्चों को वापिस भेजना, ये कहाँ की इंसाफी है, ये कहाँ का उन्हों तालीम दे रहे हैं, कौन सी तालीम दे रहे हैं स्कूलों में कॉलेज, समझ में नहीं आ रही बात। मैं इसकी भी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और साथ साथ मीडिया वालों की जो घनौनी हरकत है, मीडिया वाले एक लड़की जा रही है, आप देखे होंगे तकरीबन चैनल पे बताया जा रहा है, वो वायरल हुआ है, एक छोटी लड़की 8th या 9th की, उसको भाग के चेस करके उसकी वीडियोग्राफी की जा रही है। क्या बताना चाह रहे हैं, क्या वो लड़की जो है कोई क्राइम में इन्वॉल्व थी, क्या वो लड़की स्कूल को कुछ वेपन से लेकर आई थी, उन अपने लिबास में आई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो बचपने से है, हम भी उसी में बड़े हुए हैं, वही तालीम में, उसके बावजूद भी इसके खिलाफ वर्जी करते हुए क्यों ना ऐसे मीडिया चैनलों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, उनके ऊपर केसेस क्यों नहीं बुक किया जाए। हम डिप्टी कमिश्नर से यही गुजारिश किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं और डिमांड भी करता हूं मैं कि ऐसे जो भी चैनल हैं
जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस बुक हो, FIR हो। उनको मालूम होना चाहिए कि ये गुलबर्गा शहर अमन का शहर है, पीसफुल सिटीजन रहते हैं, और तालीम के नाम पर दूसरी चीज नहीं होना चाहिए। तालीम एक इसके मंदिर है, एजुकेशन मंदिर कहा जाता है इसको, तालीम की बहुत बड़ी इसकी इंस्टीट्यूशन है, ये इदारे हैं, ऐसे इदारों को खराब करने की कोशिश है, इसकी इससे बाज आना चाहिए, और जितने लोग भी इसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन्हें नोट लेना चाहिए।